एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित संधावली गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान कीर्तन सिंह हैं। लगभग 7,365 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर तो ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। लगभग 4800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 1600 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 74 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर, 22 सोलर लाइट व 150 स्ट्रीट लाइट भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 50 सीसी टाइल्स रोड, 20 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 240 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, बारात घर, शमशान घाट, प्राइमरी स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान संधावली कीर्तन सिंह, ब्लॉक सदर, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने अपने गाँव में 240 शौचालय प्रधानमंत्री के योजना से बनवाए हैं, 22 सोलर लाइटें लगवाई हैं और लगभग 150 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। पूरे गांव में इंटरलॉकिंग लगभग 50 सड़कें, 20 सीसी सड़कें, पूरे स्कूल में इंटरलॉकिंग, वृक्षारोपण, एक स्कूल में बरांडा बनवाया है, पेंटिंग कराई है पूरे स्कूल में और मेरे यहां एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है और एक प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है और आवास, गरीबों को आवास की आवश्यकता है। लगभग 10 आवास लगभग आवश्यकता है जो बेघर हैं और छत वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें जिन्होंने दीवार तो अपनी पक्की कर ली है, छत का पैसा चाहिए, सरकार छत का पैसा नहीं दे रही, उनके छत के लिए भी पैसा का प्रावधान होना चाहिए। और गांव में बहुत विकास है, विकास बहुत कराना है, विकास के लिए पैसा कम आता है, विकास के लिए पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसे भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे खाते में भेजना चाहिए और एक हमारे स्कूल में एक प्राइमरी जूनियर एक ही कंपाउंड में स्कूल है, एक स्कूल प्राइमरी स्कूल और चाहते हैं गांव में, जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, एक स्कूल और चाहिए। अपने गाँव में पानी की टंकी का भी प्रस्ताव भेज रखा है। मेरे गांव में, गांव के बराबर में कोई एक नाला निकल रहा है, उस नाले में बहुत गंदा पानी आता है, उससे बहुत नलों का पानी ख़राब हो गया है, जिससे कि पानी की टंकी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराई जाए। धन्यवाद।